फर्स्ट टाइम अपने को किसी ने ब्लैकमेल किया है। काटना है टुकड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। साउथ इंडस्ट्री की साल की सबसे धमाकेदार मल्टी स्टारर पैन इंडिया फिल्म जेलर को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में तोड़ दिए सभी बड़े रिकॉर्ड। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली ये फिल्म। फिल्म का हिंदी भाषा में देखने को नहीं मिल रहा है उतना ज्यादा क्रेज, लेकिन बाकी चार भाषाओं से फिल्म कर रही काफी रिकॉर्ड तोड़ कमाई। जिसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि फिल्म में मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल और साथ ही कन्नड़ सुपरस्टार शिव राजकुमार भी नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये फिल्म बाकी भाषाओं से भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। और साथ ही इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म जेलर ने सिर्फ इंडिया से ही लगभग 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है और ये फिल्म ओवरसीज से भी काफी अच्छी एडवांस बुकिंग कर रही है। जी हां दोस्तों, फिल्म जेलर ने ओवरसीज से अभी तक लगभग 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। इस प्रकार से फिल्म जेलर की टोटल एडवांस बुकिंग दुनिया भर से लगभग 23 करोड़ की हो गई है और अभी भी इस फिल्म के रिलीज में लगभग 2 दिन का समय है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 10 अगस्त के दिन दस्तक देने वाली है। तब तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म 30 करोड़ के भी आंकड़े को एडवांस बुकिंग में पार कर सकती है और अपने पहले दिन काफी धमाकेदार ओपनिंग ले सकती है। तो आप सभी सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म जेलर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? आप सभी को क्या लगता है ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन करने वाली है? आप सभी की राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेटेड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज़ को।